हेलो दोस्तों, जय श्री शाम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी हो रहा था सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे थे 7:30। तो मैंने पूजा वगैरह करने के बाद, मैं चाय नहीं पी रही हूँ यहाँ पे, मैं पी रही हूँ गर्म पानी, अजवाइन वाला पानी। मैंने अभी चाय छोड़ दी है क्योंकि मेरा ना मेरी टम्मी की चर्बी ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है यार। मेरी टम्मी बहुत दिखने लगी, बहुत मेरा पेट बहुत ज़्यादा ओवर दिखता है। तो किसी ने बोला कि चाय छोड़ो और अजवाइन का पानी पियो, जीरा अजवाइन। मैं पहले भी ये पीती थी, पहले भी मुझे बताया था, लेकिन फिर मुझे थोड़ा बहुत मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा था, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं वापस वही, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, पहले मैं वो पानी पी लेती थी, फिर उसके बाद मैं चाय पी लेती थी, इसलिए कोई असर ही नहीं हुआ। तो फिर अभी बिल्कुल चाय छोड़, किसी मतलब बताया है किसी ने कि चाय छोड़नी, बिल्कुल ही छोड़ दो चाय, तो सिर्फ ये गर्म पानी पियो। हो सके तो 2 बार भी पी लो, शाम को भी पी लो, अगर नहीं हो पाए तो सुबह खाली पेट तो ज़रूर 1 कप पी ही लो। 1 गिलास पानी मैं गर्म करती हूँ, उसमें आधी चम्मच अजवाइन डालती हूँ और आधे से तीन चौथाई चम्मच में जीरा डालती हूँ, और थोड़ी सी चुटकी भर में इसमें हल्दी डालती हूँ। तब फिर थोड़ा कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से इसको खौलाती हूँ, पानी को अच्छे से मतलब गर्म हो जाए, फिर उसके बाद छान के पीती हूँ मैं पानी। और बहुत मतलब देखते हैं अभी कितना फ़ायदा मिलता है ये सब करने का। तो चाय छोड़ना मेरे लिए यार सच बताऊँ ना इतना मुश्किल है कि मत पूछो। और मैं चाय नहीं पी रहा हूँ तो मेरा सर इतना भयंकर, जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, मेरा सर दर्द करने लग ही जाता है। कल मैंने चाय बहुत, मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं नहीं पीऊँ नहीं पीऊँ, फिर भी लास्ट में आके मैंने शाम को 5 बजे चाय बना के पी ही ली, क्योंकि सर दर्द इतना बर्दाश्त नहीं होता है। और सबसे मेन तो मेरी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, वो है, वो माइग्रेन का दर्द इतना भयंकर होता है यार, कैसे मत पूछो सच में। तो इसलिए मुझे पीनी पड़ी। तो लेकिन मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ कि मैं चाय बिल्कुल छोड़ दूँ, मुझे चाय नहीं पीनी है। बस मैंने अब अपना मन बना लिया है कि मैं चाय नहीं पीऊँ नहीं पीऊँ। और इधर बना रही थी मैं, इधर काट रही थी मैं बनाऊंगी आज टमाटर और प्याज की, बस ऐसे ही छोंक दूंगी सब्जी। जैसे कोई सब्जी समझ में नहीं आती है ना, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है, टमाटर उठाओ, प्याज उठाओ और चटनी सी बना लो, और अच्छी भी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, सच बता रही हूँ। तो सब्जी वगैरह कुछ नहीं समझ में आ रही थी, और थी भी नहीं सब्जी, आज सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो अभी मंडी जाना नहीं हुआ इसलिए सब्जी नहीं आई है। तो टमाटर प्याज वगैरह पड़े थे, आलू भी रखे थे, फिर मैंने आलू तो कल ही बनाए थे, तो मैंने सोचा आलू नहीं रोज़ रोज़ खा पाते, आलू बहुत खा खा के बोर हो गए हैं, तो बस इसलिए मैंने प्याज काटी, टमाटर काटे थोड़े से और बना रही हूँ मैं चटनी। और ये बिल्कुल सूखी सूखी नहीं बनाऊँगी मैं, थोड़ा सा मैं रसा करती हूँ, क्योंकि बाद में फिर ना थोड़ा सा ना सूखा सूखा ना लगे, क्योंकि बहुत सूखी सूखी सब्जी है ना वो खाई नहीं जाती, थोड़ा सा उसमें ऐसा गील रसा सा हो जाता है ना, तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो प्याज वगैरह मैंने भून के और इसमें डाल मैं और इसमें कुछ भी नहीं डालते ना, मैं लहसुन डालूंगी ना कुछ भी नहीं डालूंगी, जो नॉर्मल हम मसाले डालते हैं वही, हल्दी नमक और मिर्ची और हर वो सॉरी वो पाउडर धनिया पाउडर, बस यही डालूंगी। और ये देखिए बनने में झटपट से बन जाती है 5 मिनट में। इसको चावल के साथ खाते हैं ना तो और भी अच्छी लगती है सच में, जैसे चटनी चावल खाते हैं ना इतना अच्छी लगती है, एकदम खट्टी खट्टी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस वही बना रही थी मैं उधर। और जब मैं वो पानी पीने के बाद ना मेरा पेट में ना पता नहीं क्यों अजीब सी ऐसी फीलिंग सी आती है, या तो वो अजवाइन की वजह से आती होगी, ऐसे मेरे मुझे ना बहुत अजीब सी मतलब कि ऐसे अंदर से ना ऐसे उल्टियाँ सी नहीं आती, वैसे वो सीन होता है मेरे साथ, या तो मैं खाली पेट पीती हूँ इसलिए होता है, या फिर मैं चाय छोड़ नहीं पी पा रही हूँ इसलिए होता है। यार चाय छोड़ना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आदत बनी हुई है ना चाय की, तो कि चाय मतलब पीनी है बस, और चाय अगर नहीं पी, एक वो माइंड सेट हो जाता है ना कि चाय नहीं पिएगा तो सर दर्द होगा, तो बस वही हो गया है। अगर मैं सोचती हूँ चाय नहीं पिएंगे तो सर दर्द तो होगा ही होगा, पर ये नहीं सोचते हैं कि चलो कोई ना हो थोड़ा बहुत, फिर भी मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप पे, चाय ना पीऊँ मैं तो। चलिए और इधर देखिए मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस छोंक दिए, छोंकने के बाद मैं पानी डाल दूँगी। तो सारे काम से फ्री हो गई थी मैं, और अभी बच चुके हैं दोपहर के 11, और मैं बाल वॉश करके आई हूँ, क्योंकि मैंने सुबह नहीं किए थे, मैं जल्दी जल्दबाजी में नहा लेती तो, और मुझे और अभी करूँगी मैं पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है सुबह आगरा, मेरे मेरी बहन की हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो एडमिट है, तो उनको देखने जाना है। तो अभी मैं पैक, फिर सुबह इतनी जल्दी बाल नहीं धो पाएंगे, क्योंकि जल्दी सीरियस थोड़े ठंडे ठंडे मौसम में निकलूंगी ना, इसलिए तो इतनी जल्दी नहीं बाल धुल पाएंगे, इसलिए मैंने आज वैसे शनिवार को बाल धोते नहीं है, लेकिन मैंने धो लिए मजबूरी, क्योंकि बहुत चिपचिप हो रही थी, और फिर कल चलूँगी तो और ज़्यादा हो जाएगी चिपचिप पसीने में, इसलिए तो मैं अभी धो गई हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं पैकिंग करने, और बाबा को भी मैंने सुला दिया है,
तो चलिए। और जो ये मेरे जो बैग है ना, ये मैंने ताड़ के ऊपर रख रखे थे, ताड़ पे मैं रख देती हूँ क्योंकि नीचे मेरे कमरे में जगह नहीं बचती है, क्योंकि अलमारियाँ वगैरह नहीं है, इसलिए कहीं भी एडजस्ट नहीं होता। तो मैंने पूरा ताड़ अपना पूरा ताड़ सामान से भर रखा है। और जो ये छोटे छोटे, क्योंकि एक बक्सा भी है मेरे पास, बक्सा भी मेरा पूरा साड़ियों से भरा पड़ा है, वो रखा है इसलिए। और नीचे एडजस्ट, बक्सा तो मेरे बेड के नीचे ही रखा है, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर रखा हो। और इसमें देखिए मेरे आधे कपड़े इसमें रखे हैं, और जो वो रेड वाला बैग है ना, कुछ उसमें रखे हैं, और कुछ ये ब्लैक वाला बैग है, वो बैग है जो इसमें सिवी के कपड़े रखे हैं। तो हम मैं बस ऐसे एडजस्ट करती रहती हूँ कपड़ों को, इधर से उधर सामान को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है यार। जो जो किराए के एक रूम में रहते होंगे ना, उनको सबको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है किराए से रहना। और जबकि अलमारियाँ ना हो कमरे में, तब तो इतना ही इतना मुश्किल होता है। सिर्फ मेरे कमरे में एक ही अलमारी है जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, जिसमें मैंने ऊपर एक अलमारी में मंदिर बना रखा है अपना, मेरे बाबा को, मेरे बाकी मेरे भगवान जी को बिठा रखा है मैंने। और बाकी तीन अलमारी, दो अलमारी में बस तीन ही अलमारी है, मतलब लग वो छोटी छोटी सी जो पट्टी लगी हुई है तीन, और नीचे बस मैं अपने डब्बे वगैरह रख देती हूँ, बाकी इसमें कहीं भी अलमारी नहीं, एकदम खाली खाली कमरा लगता है। तो फिर कोई ना, मैंने इधर उधर करके अपना कमरा एडजस्ट कर रखा है, ऐसा नहीं है। और भगवान से, मैं बाबा से हमेशा यही दुआ करती हूँ, बाबा ये किराए का सफ़र कब ख़त्म होगा, किराए पे रहना बहुत मुश्किल होता है सच में, और वो भी एक छोटे से बच्चे के साथ, के क्या ही बताऊँ। और इस कमरे में से इस बैग में से निकाल दी थी मैं, बार बार कमरा ही आ रहा है, इस बैग में से निकाल दी थी मैं सीवी के कपड़े, जो जो मुझे सीवी के ले जाने थे। और बाकी ज़्यादा तो नहीं ले जाने, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, थोड़े 2 4 दिन के लिए ही जाऊँगी। तो पहले मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, हॉस्पिटल से फिर मैं अपने घर जाऊँगी, अपनी मम्मी के घर, मतलब मेरे मायके, मेरे गांव। तो मेरा गांव बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो को, मैं वीडियो बना के वहाँ का। और अभी हमारा नया घर भी बना है मम्मी का, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इधर देखिए कितना बेड पूरा भरा पड़ा है कपड़ों से, मैंने पूरे कपड़े फैला के पटक रखे हैं जो जो मुझे, और मैं कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ ले जाऊँगी, साड़ी नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि गर्मियों में मेरे से साड़ी नहीं पहनी, गर्मियों में तो क्या मेरे से साड़ी पहनी ही नहीं जाती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, मेरे घर वाले बहुत डांटते, कभी तो साड़ी पहन लिया करो, कभी तो पहन लिया करो, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ, मुझसे नहीं पहनने। और बिल्कुल सफ़र में तो मैं 1 मिनट भी साड़ी नहीं पहन सकती सच में, जबकि मेरे साथ बच्चा भी हो, सामान भी हो, क्योंकि मैं अकेली ही जाऊँगी, तो मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। तो इधर मैं निकाल रही थी मेरे जो कुर्ते वगैरह, मैंने कुछ उसमें से निकाले थे, कुछ मेरे ऊपर रखे थे, तो वो सीवी के कपड़े छान छाँट के रख रही हूँ, कौन से ले जाने कौन से ले जाते हैं। अपन इतना कन्फ्यूज़ रहते हैं जब हम कहीं जाते हैं, तो ऐसा सोचते हैं क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये कन्फ्यूज़न ना सच में बहुत कन्फ्यूज़न होती है मुझे तो। और सीवी सीवी के कपड़े हम रखेंगे सीवी के बैग में, जो है ये सीवी के स्कूल का बैग, ज़्यादा नहीं रखूँगी, थोड़े से रखूँगी कपड़े, जो उसके टन के ले जाओ ना, सिर्फ गाली बक्का हो गया अभी तो सुना, वो नानी बोल रही थी गंदी गाली बकती गई, तो हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, और बाकी जो फैलावड़ा है ना, जो मैंने उस बैग में से निकाल के जो कपड़े पटके थे ना, वो ऐसे ही पड़े हैं, उनको बस रखूंगी, बाकी हमारे जो ले जाने वाले कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं बस। और वीडियो का एंड भी मैं यही करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ए आज हमारे घर में कुछ नए मेंबर दिखाती हूँ आपको, जो वो सोए हुए हैं ना, वो छोटू सी कठिया पे जो टोकरी के पास, वो लड्डू सोए हुए हैं, तो सो रहे, अभी उनको नहीं उठाना है। तो चलिए वीडियो का एंड भी यही करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल जाने वाली हूँ मैं आगरा, हो सकता है मैं वहाँ के भी ब्लॉग अच्छे अच्छे बना के डालूँ आप लोगों के लिए, जो गांव मेरा गांव है ना, और वहाँ से हॉस्पिटल से जाने के बाद फिर मैं जाऊँगी वहाँ पे मेरे गाँव, तो हो सकता है मैं मेरे गाँव के भी ब्लॉग आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और ये फैलावड़ा वाला मैं समेट देती हूँ।